अगर आप बेजान स्किन डल चेहरे पर डलना, कोई रौनक नहीं लग रही और गिलो के लिए परेशान हो, तो इस रेमेडी को यूज ज़रूर करके देखें जो मैंने बनाई है और मैंने करा है, और बिल्कुल आपको मिलेगा अंगूरी बदन, यानी कि अंगूरी बदन समझते हो ना, अंगूरी जैसा रंग। ये आप देख सकते हो, आपके सामने मैं करके दिखाऊंगी, ये मैंने करा है, आप देख सकते हो, देख लो बिल्कुल अंगूरी जैसा रंग लग रहा है, और आपको ऐसा ही मिलेगा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसमें मैं करके दिखाऊंगी, बनाकर भी दिखाऊंगी, और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, बहुत ही कम, बहुत आसान, बहुत इजी, और कोई पैसा नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना आपका एक भी है, और घर से ही सारे सामान निकल आएंगे जो भी है, 3 इंग्रेडिएंट्स, और इतनी बढ़िया रौनक आपके चेहरे पर आएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और इसी तरह से बनाकर आप भी अपना फेशियल करें इसी चीज़ से जिससे मैंने करा है, ठीक है। तो मैं इसे बताती हूँ कि मैंने बनाई कैसे और मैंने क्या क्या चीज़ ली है इसके लिए, ठीक है, आए मेरे साथ। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अंगूरी चेहरे के लिए ये अंगूर लिए हैं, ये 15-20 अंगूर हैं, और ये बिल्कुल पके पके अंगूर लिए हैं मैंने, आजकल सीज़न है इनका, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें मैं इसे ग्राइंड करूँगी। और इस एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जैसे ये जार है, इसको अगर आपने इसमें चटनी पीसी हो, मिर्ची पीसी हो, तो इसमें पहले खीरा डाल के और पानी डाल के इसको ग्राइंड करके और फिर उसको फेंक दें, अच्छे से वॉश करके जब इसमें इसे ग्राइंड करें, ताकि चेहरे पर मिर्ची ना लगे, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत अच्छे से साफ़ करके, तो ये देख सकते हो आप, ये बिल्कुल इस तरह से ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिए हमने ये, और इसमें बिना पानी डाले मैंने ग्राइंड करा है दोस्तों ये। और अभी भी दोस्तों इसमें मैं 2 चीज़ें और ऐड करूँगी, आप देखते रहना, इसे कटोरी में कर लेते हैं इसमें इस तरह से, ये देख सकते हो आप, इस तरह से ग्राइंड हुआ हुआ। और दोस्तों अब ये मैं कर रही हूँ इसमें ऐड बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर दोस्तों, ये इसमें स्टार्च होता है, ये एक तो स्किन को टाइट करता है, और ये जोड़ने के लिए होता है, यानी कि अगर जैसे हम खाली इसका अंगूर का जो पेस्ट है उससे अगर हम फेशियल करेंगे तो हमारा टप टप करेगा, चुएगा नीचे वो पानी पानी, है ना। और अगर हम कॉर्नफ्लोर किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो वो थिक करता है उसको, और बिल्कुल। अब 2 बूंद इसमें हम ये नींबू के, 2-3 बूंद या 4 बूंद आप इसमें नींबू के ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं, और ये बहुत ही, तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि ये नींबू का जो हमने 3-4 बूंदें डाली हैं और ये जो कॉर्नफ्लोर है ये एकदम मिक्स हो जाए और पूरा ऐसा थिक सा हो जाए, ताकि इसमें पानी, जैसे पानी अलग और वो पेस्ट अलग ऐसा ना रहे, बस इसलिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं। कॉर्नफ्लोर जो होता है वो स्किन को टाइट करता है, लूज स्किन को, और झुर्रियों को ख़त्म करता है, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब इसे किस तरह मैं कर रही हूँ अपने फेस पर, इसे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो पेस्ट तो बन के तैयार हो गया हमारा, और इस कटोरी में 2-3 बूंद मैं दूध ले रही हूँ दोस्तों, इसका क्या यूज होना है वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। और मैं रेडी हो रही हूँ चुन्नी उन्नी कस के फेशियल करने के लिए, और इस तरह से चश्मा भी उतार के एक साइड रख देंगे और अच्छे से बालों को बांध लेंगे, ताकि बाल डिस्टर्ब ना करें, जूड़ा बना लें। वैसे तो एक कपड़ा आता है बालों में बांधने का, मतलब कि फेशियल वाला, तो वो भी मैं लेके आऊँगी, वो मेरे पास नहीं है फिलहाल इस तरह से। और ये नोज पिन भी निकाल देंगे, वैसे तो कानों के भी निकाल देने चाहिए पर मैं नहीं निकाल ली। और चेहरे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया दोस्तों, ताकि कोई गंदवंद ना हो, जब भी करना चाहिए कुछ भी चीज़ का फेशियल या स्क्रब। और इस तरह से ये देखें, इतना थिक है कि इसमें ये कॉर्नफ्लोर से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इससे, ये देख लें आप, ये टपकेगा नहीं बिल्कुल भी फेशियल करते हुए। इससे एक तो स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है, और ये उसको गाढ़ा करता है, यानी कि पानी टप टप नहीं होता जब हम फेशियल करेंगे ना, तो बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं होगी और हमारे चेहरे पर अच्छे से चिपकेगा, और बहुत जितनी मर्जी गंद होगी हमारे चेहरे पे, कुछ भी होगी, उसको उखाड़ देगा, अलग कर देगा। और इस तरह से आपने फेशियल करना है, आप देख लें आपके सामने। और ये स्टेप भी देखा करो दोस्तों, जैसे हम ये फेशियल करते हैं ना, तो स्टेप कैसे लेने हैं और कौन से स्टेप से क्या फ़ायदा होता है, मैं कई फेशियल में आपको बताती हूँ। ज़्यादातर जहाँ पर ज़्यादा मैल होता है वहाँ ज़्यादा रगड़ा करें, और ये देखें ऐसे स्टेप लेते हैं, और ये गर्दन का और ये नोज का इस तरह से लेना चाहिए, जहाँ भी हम मसाज करेंगे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होता है तो ग्लो आता है चेहरे पर। और गर्दन पे दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि गर्दन पे मैंने कई वीडियो में बताया कि गर्दन से ही बुढ़ापा दिखता है मेरी एज की बंदों का, चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो। और कानों पर भी ज़रूर करें दोस्तों, कानों पर भी मैल होता है और गर्दन पर भी मैल होता है, आगे से पीछे तक सारे में अच्छे से लगाएँ और गर्दन पर ज़्यादा मसाज करें, ताकि
रिंकल्स, लूज गर्दन को टाइट होए थोड़ा, है ना। और इस तरह से ऊपर ज़्यादा रगड़ें, यहाँ पर ज़्यादा मैल होता है, और आँखों के आसपास सब जगह अच्छे से रगड़ें, पूरा सही से फेशियल करें ताकि, और आँखों में ना जाए हो, मुँह में ना जाए, वैसे तो ये खाने की चीज़ें दिक्कत नहीं है पर आँखों में ना जाए, है ना। तो इस तरह से आपने ये करना चाहिए हर चीज़ से। ये चीज़ ऐसी होती है, ऑर्गेनिक चीज़ है बिल्कुल, ये अंगूर अंगूरी बदन, अंगूरी अंगूर जैसा रंग देखेंगे, अभी आपने देखा तो है पीछे, तो पीछे पिक में जो फ़ोटो दिखाई मैंने वो करा हुआ था। तो दोस्तों ये मेरा इतना बन गया है कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो, ठीक है, और बस ऐसे इतना इतना ले लें, और कुछ लगे हल्का सा तो आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हो, साथ में पानी लगा सकते हो, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो ना कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ना डालने, बहुत ही कम डालना है, ठीक है। ज़्यादा डालोगे तो फिर ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और ये अच्छे से आपका हाथ नहीं चलेगा। अगर इतना इतना गाढ़ा ऐसा होना चाहिए, ना पतला हो ना गाढ़ा हो, कि ये टपके भी नहीं और ये इतना भी गाढ़ा ना हो कि हमारा हाथ ही ना फिसले, है ना, क्योंकि फेशियल जो करते हैं तो हाथ फिसलना चाहिए, उतना पतला होना चाहिए। तो दोस्तों जहाँ भी हम ऐसे फेशियल करते हैं, देखो ये आँखों के आसपास हमारी स्वेलिंग ख़त्म होती है, और हम जहाँ भी हम मसाज करते हैं वहाँ से हमारा ग्लो आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे कर ले, और करने के बाद और इसे और ले लें, अच्छा ले लें, बहुत सारा ले लें, और कम से कम 6-7 मिनट इसका मसाज करें, 6-7 मिनट, है ना, सारे में अच्छे से लगा दें, और इसको इस तरह से ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमारे चेहरे पर गन तो था ही नहीं, यही पैक बन गया हमारा, यही स्क्रब बन गया, और यही हमारा फेशियल क्रीम बन गई, है ना। और इसे 10 मिनट के बाद आप जब इसे थोड़ा सा सूख जाए, आजकल तो गर्मी है, फटाफट उसके बाद इसे वॉश करूँ के वॉश करके दिखाऊँगी मैं आपको, ऐसे आराम से बैठ जाएँ स्माइल करते हुए फेस को। तो दोस्तों ये 5 मिनट में ही सूख गया, क्योंकि आजकल गर्मी है, 5 मिनट ही हुए हैं, और इसे हम हटा लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, या तो फिर जाके नहा लें अगर नहाना हो आपने, या फिर किसी भी टॉवल से इस तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल में, मतलब कि इतनी आसानी से नहीं छूटेगा, इसमें कॉर्नफ्लोर है, तो अच्छे से वॉश करके आएँ। तो मैं वॉशरूम में जाकर ही खूब सारे पानी से झपके मार मार के माथे पर, कानों पर, गले पर, आँखों पर, सब जगह आगे पीछे से अच्छे से साफ़ करके वॉश करके आई हूँ। जो थोड़ा बहुत रह गया होगा तो मैं जब नहाऊँगी ना, जब साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा चेहरा थोड़ा सा, जब हम फेशियल या स्क्रब करते हैं थोड़ा रुखा रुखा हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा फेशियल के बाद या स्क्रब के बाद, इस तरह का जो भी ऑर्गेनिक कर रहे हो, उसके बाद ये कच्चा दूध जो मैंने लिया था आपके सामने, 2-2.5 चम्मच, तो वो इस तरह से कॉटन लेके और अपने फेस पे कच्चा दूध लगाएं दोस्तों। एक तो ये एक तो बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कोमल कहते हैं ना जिसे, बहुत ही सॉफ्ट कर देता है स्किन को दूध, और दूध चेहरे को सॉफ्ट करता है स्किन को, और मॉइस्चराइज करता है, यानी कि नमी रखता है चेहरे पर। तो अगर ये किसी भी ऑर्गेनिक फेशियल या स्क्रब के बाद आप दूध लगाते हो तो ये बहुत ही बढ़िया है, काले घेरे भी आँखों के ख़त्म होते हैं इससे, दूध से। तो इस तरह से दूध लगा लें, और उसके बाद भी जब ये सूख जाए थोड़ी सी देर के बाद, 10-5 मिनट के बाद, जो दूध बचे आप अपनी ये कोहनी पर, हाथों पर, सब जगह लगाएं जहाँ भी, क्योंकि ये मॉइस्चराइज करेगा और नमी करेगा, जहाँ भी नमी रखेगा और मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, तो वहाँ से मैल छूटता है, स्किन सॉफ्ट होती है। तो ऐसे लगा लें बचा हुआ जो भी हाथों पर भी, और ये अब नोजपिन पहन लेंगे हम, ठीक है। और मैं 10 मिनट के या 5 मिनट के बाद, आजकल गर्मी एकदम सूख जाएगा, अब इसे वॉश करके फिर मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको इसकी। तो आप देख सकते हो मैं वॉश करके आ गई हूँ, और ये है फाइनल लुक, और मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लियर साफ पता लग रहा है अपने चेहरे का, कि बहुत ही ज़्यादा रौनक आ गई है, और बिल्कुल अंगूरों जैसा रंग लग रहा है, और बहुत साफ नज़र आ रहा होगा आपको भी, कि कितना बढ़िया रिजल्ट है इसका। तो इसे आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना दोस्तों। मैं और दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। मैं बहुत ही फ़ायदे की, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक वीडियो अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ इस पर। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो,